नाम सतनाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। आज देश दुनिया में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 353वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। कई शहरों में भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा। अमृतसर में हरिमंदर साहिब में देश विदेश की संगत नतमस्तक होने पहुंच रही है। वहीं पटना साहिब गुरुद्वारे में भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 353वें प्रकाश पर्व पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी शिक्षाओं को याद करते हुए उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि उनका जीवन लोगों की सेवा और सत्य न्याय और करुणा के जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन और शिक्षाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। साथियों, आज गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व देश मना रहा है। खालसा पंथ के सृजनहार, मानवता के पालनहार, भारतीय मूल्यों के लिए समर्पित गुरु गोविंद सिंह जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व में अनेक विधाओं का संगम था। वो गुरु तो थे ही, भक्त भी श्रेष्ठ थे। वो जितने अच्छे योद्धा थे उतने ही बेहतरीन कवि और साहित्यकार भी थे। अन्याय के विरुद्ध उनका जितना कड़ा रुख था उतना ही शांति के लिए भी आग्रह था। मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान से देश और दुनिया परिचित है। वीरता के साथ उनकी जो धीरता थी, धैर्य था, वो अद्भुत था। वे संघर्ष करते थे लेकिन त्याग की पराकाष्ठा अभूतपूर्व थी। वे समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे। ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, उसके खिलाफ भी गुरु गोविंद सिंह जी ने संघर्ष किया। यही सारे मूल्य नए भारत के निर्माण के मूल में है। मुझे विश्वास है कि हम सभी गुरु जी के बताए मार्ग से नए भारत के अपने संकल्प को और मजबूत करेंगे।